आज मैं बताने जा रहा हूँ जो मैं अभी बोला था उसके आगे। देखो मुझे जहाँ तक लगता है मतलब 75% लोग केवल टेम्पू चला के अपनी रोजी रोट पेट और जो भी जैसा चलाते हैं वो अपना भरते हैं, ठीक है, केवल टेम्पू चला के। देख हमारे गोरखपुर में अब सेकेंड नंबर पे आता है मतलब बेरोजगारी, मतलब कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कार चला के कैसे करके। तो ये हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा लगातार एकदम लाइन से केवल लगे, मतलब देखो ये सब बस है ना, ये सारी सब बसें मतलब दबा के कमाते हैं दूसरे नंबर पे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो फ्रेश ताजा में आप सभी का। लेकिन गाइस आज के वीडियो बहुत डेंजरस एंड खतरनाक होने वाला है, मुझको भी नहीं पता क्या होने वाला है, आज के वीडियो बहुत खतरनाक होगा। तो गाइस आज मुझे भी नहीं पता मेरे वीडियो कैसे होने वाला क्या होने वाला, जो भी रहेगा आज सभी को बताएंगे। एंड आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड जो भी जब जैसे कहो, सब लव यू ऑल मेरे दोस्तों। आज बहुत खतरनाक वीडियो रहेगा एंड फिर से आज लेट हो गया, सर जी बोले थे कि 9 बजे आने के लिए और मैं जा रहा हूँ 11:30 बजे। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को बिना देर किए लेट किए स्टार्ट कर दी, गाइस मेरे पास थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं रास्ते में चलते चलते सारी जानकारी देंगे एंड वीडियो में बना लेंगे। अरे यार भाई देख सकते हो यार, देख रहे हो फोन देख रहे हैं मेरा, इसी तरह फूट जाएगा यार, गिर गिर के देखो गिरा, अभी जस्ट गिरा है, दुख होता है यार, दिल में दर्द होता है। अच्छा वीडियो में देखते रहिए, प्यार देते रहिए, चलिए वीडियो को करते कहीं इधर का नजारा देखते हो, चलिए चलते हैं। लेकिन भाइयों मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है, अभी तक नहीं समझ में आया, 15 से 16 साल 17 साल जो भी हो गया मेरा, अभी तक मैं ये नहीं समझ पाया कि लोग टेम्पो क्यों चलाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने, लोग टेम्पो क्यों चलाते हैं आप लोगों को अगर पता है तो मुझे बताना जरूर अपनी राय दे देना भाई, मुझे नहीं पता है, नई जानकारी है तभी बोल रहा हूँ, ऐसी जानकारी रहता तो नहीं बोलता, मुझे जरूर बताना ठीक है कि लोग टेम्पो क्यों चलाते हैं। आज तक ना मुझे समझ में आया क्यों चलाते हैं, आई डोंट नो, बताना जरूर, जाओ पहले हंसो मत, कमेंट में जाओ बताओ। चलाते समय बहुत ज्यादा क्राउड था ठीक है, इसीलिए वीडियो वहां से नहीं, और यहाँ से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आज वाली वीडियो होगी कि आपको जानकारी वाली वीडियो दूंगा, देख सकते हो मुझे मतलब मेरे घर से हमको धर्मशाला आते थे मात्र 20 मिनट लगता है, और मेरा आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, मैं ऐसी गारंटी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इधर क्राउड है और गाड़ी मोटर चल रहा है तो हल्ला हो रहा है, ठीक है कोई नहीं, तुम लोग एडजस्ट करो। देखो 20 मिनट मुझे लगता है अपने घर से मतलब धर्मशाला आते हुए, लेकिन आज वीडियो बहुत जानकारी वाली दूंगा, ये वाली वीडियो रहेगी कि हमारे गोरखपुर में लोग अपना जीवन व्यापन कैसे करते हैं, मतलब कैसे रोजी रोटी चलाते हैं, क्या क्या करते हैं, मैं सारी चीज़ें रास्ते में दिखाता रहूंगा, बताता रहूंगा, हो सकेगा कि आप लोग समझ में आएगा तो देखना और प्यार देना। आज मैं यही वीडियो में दिखाऊंगा कि लोग मतलब कोई केला बेच रहा है, कोई संतरा हार बेच रहा है, कोई समोसा बेच रहा है, कोई सारी चीज़ें देखती रहूंगा और अच्छी अच्छी भी चीज़ें दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि तो कोई नहीं, बस आप लोग वीडियो को देखते जाओ और क्या कुछ नहीं, बस हम प्यार के दीवाने हैं, प्यार करना, वीडियो देखना, बस यही दिखाएंगे आप सभी को कि मैं गोरखपुर में लोग अपना जीवन कैसे व्यापन करते हैं। तो वीडियो में बने रहे, साथ हो सके कि आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्यार देते रहिए, चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते बताने जा रहा हूँ जो मैं अभी बोला था उसके आगे। देखो मुझे जहाँ तक लगता है अभी तक मैं जहाँ मतलब यहाँ तक मैं आ गया
मतलब जो भी कौन यहाँ तक में आ गया। अब मुझे यही समझ में आया कि इधर गोरखपुर में अपने मतलब 75% लोग केवल टेम्पू चला के अपनी रोजी रोटी पेट और जो भी जैसा चलाते हैं वो अपना भरते हैं, ठीक है, केवल टेम्पू चला के। देख सकते इधर केवल टेम्पू चला के मतलब 75% लोग हैं जो कि टेम्पू केवल चला के अपना जीवन यापन कर लेते हैं। अब आगे चलो, आगे दिखाता हूँ, लेकिन तुम लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहना और देखते रहना, प्यार देते रहना, एकदम ढेर सारा दिखाता रहूँगा, सारी चीज़ें बताता रहूँगा। और देखो भाई, हमारे गोरखपुर में अब सेकंड नंबर पे आता है मतलब बेरोजगारी, मतलब कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, कार चला के कैसे करके, तो ये हमारे पीछे आपको दिख रहा होगा, लगातार एकदम लाइन से केवल लगा हुआ है, दिख रहा होगा, दिखा कि बोल दूं मैं। देखो ये जो बस होते हैं, बस सोनवली पटरौना बी आर पांच, देखो ये सब बस है ना, ये सारी सब बसें मतलब दबा के कमाते हैं दूसरे नंबर पे, ये देख लो अच्छे से, ठीक है, बस और बस बस स्टॉप भी यहीं पे है, लेकिन मैं उधर से नहीं जाऊंगा, ठीक है। देखो भाई वीडियो आगे पीछे होगा, एडजस्ट करना, ज्ञान वाली चीज़ है, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओगे और ज्ञान मिलेगा, ज्ञान लो। दूसरी नंबर भी बता, अभी तीसरी नंबर भी बता रहा हूँ, क्या मैं बताओ, ऐसे पिक पिक बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले खुद देख रहा हूँ, देखने के बाद समझ रहा हूँ तब बता रहा हूँ, और ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, ज़्यादा बताऊँगा तो मैं ज्ञानी हो जाऊँ, तो मुझे ज्ञानी नहीं बनना, ठीक है, बस मुझे थोड़ा ज्ञानी बनना, ज़्यादा नहीं। वीडियो में बने रहो, आ गया तुम लोग को तीसरे नंबर वाला, बताऊंगा मैं गोरखपुर में लोग तीसरे नंबर मतलब कैसा अपन जीवन अपन करते हैं, ठीक है। देखो देखो बता रहा, लाइन से भी दिखाते हैं, देखो ए बैक दिखा, इधर इधर देख सकते हो, मात्र फल वल का निशान फल वे लगा, यहाँ से पूरा तुम वहाँ तक कोने तक जाओगे, तो चलो मैं थोड़ा इधर दिखाता भी रहूँगा, जहाँ तक जाओगे मात्र फल केला अंगूर, और इसके वजह से तुम उसमें सब्जी उब्जी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, सब्जी उब्जी भी इसमें ऐड कर लो, ये हो गया, ये हो गया, नींबू बेच के लोग अपना जीवन काटते हैं, कोई बात नहीं, एडजस्ट करो, क्या करना है, जो भी है जैसा है।